नूरपुर भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया ने प्रेस क्लब में नूरपुर की दृष्टि पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में नूरपुर को जिला बनाना सबसे पहला कदम होगा, जिससे पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में नंबर एक पर जगह दी है। वहीं उन्होंने नूरपुर के सिविल अस्पताल को जोनल अस्पताल बनाने की बात भी कही है। उनके मैनिफेस्टो में युवाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर बनाना, अवैध खनन को लेकर स्पष्ट नीति बनाने, 300 करोड़ की फिन्ना सिंह नहर को पूरा करके किसानों के खेत खलिहानों तक शीघ्र उपलब्ध करवाना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले संपर्क मार्गों की दशा और दिशा सुधारना इस सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनका समर्थन करेगी और उन पर विश्वास दिलाएगी, और उन्होंने वायदा किया कि वे अपने मैनिफेस्टो को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकताएं सारी की सारी इसमें लिखी हुई है और सारा का सारा डिटेल हमने आपको छाप के दे दिया है कि हमारा प्राथमिकता तो जिले की रही रहेगी, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम अपनी सरकार में भी इस बात को बड़े जोरदार ढंग से रखेंगे कि नूरपुर को जिला का जो है स्टेटस मिलना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई के ऊपर जोर रहेगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हर व्यक्ति के घर द्वार में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प हो सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे कि नूरपुर की जनता को एक रिलीफ मिले और जो नूरपुर का नूर लुट चुका है उसको हम रीइंस्टॉल कर सकें। ऐसे प्रायोरिटीज को लेकर हम जो है ये चुनाव में जा रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि नूरपुर की जनता और नूरपुर के लोग हमें पूरा आशीर्वाद देंगे ताकि भाजपा ने जो अपना प्राण लिया है, जो संकल्प लिया, जो विजन डॉक्यूमेंट आज हमने पेश किया उसको हम पूरा धरातल